Welcome back, friends, to India Reforms, Judicial Reforms. मैं डॉक्टर कपिल कक्कर, एक साइकोलॉजिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, जो आपसे जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, आज हम उसके एक और पहलू पर बात करेंगे. आई एम श्योर अभी तक आपने हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जस्ट इन केस आपने नहीं करा है या आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इस पेज को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस आगे भी लाने वाले हैं. तो आज का जो हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स का मुद्दा है, उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, इसके अंदर क्या जस्टिस हमें मिलता है, कि जस्टिस के लिए हमें पैसे खर्चने पड़ते हैं. जी नहीं, मेरा पैसे खर्चने का ये मतलब नहीं है कि जजेस को ब्राइब करना. मेरा पैसे खर्चने का मतलब है कि एक जिसको हम अच्छा लॉयर कहते हैं, वो अच्छा लॉयर का क्या मतलब है. हम अच्छा लॉयर किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, जब आपका लॉ ऑफ द लैंड सेम है सबके लिए, तो अच्छा बुरा लॉयर क्या हुआ. और जजेस ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है, उनको नॉलेज होती है. अगर कोई लॉयर कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उसकी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स भी हेल्प कर सकते हैं. और आज मैं आपसे वही एंगल में बात करने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड का मतलब है, आप जितने अच्छे इन्फ्लुएंशियल, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल, जैसे कि वो भगवान ने स्पेशली उस लॉयर को तैयार किया हुआ है, उसको अगर आप लेके आएंगे तो आपके केस के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या आपको टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा हो जाएगा. अब ये पूरा मुद्दा क्या है, दो तरह के लॉयर्स होते हैं, एक आपके नॉर्मल लॉयर्स होते हैं और दूसरे आपके सीनियर लॉयर्स, जिसको ये कहते हैं सीनियर लॉयर्स. अब ये सीनियर लॉयर्स कौन होते हैं, ये सीनियर लॉयर्स ऐसा लोग नहीं हैं कि क्योंकि एक आदमी को 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो वो सीनियर बन गया. वो ऑफिशियली सीनियर लॉयर नहीं है. ऑफिशियली सीनियर लॉयर्स कौन होते हैं, जिनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस नॉमिनेट करते हैं, उनके लिए वोटिंग होती है, और अगर उनको थ्री फोर्थ से ज़्यादा अगर उनको जजेस उनके फेवर में आते हैं, तो वो आदमी अपने आप लॉयर से सीनियर लॉयर बन जाता है. जब वो सीनियर लॉयर बन जाता है, अब इनको पेश क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर जज ने उसके फेवर में वोट दिया है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसी परसेप्शन है कि वो उस लॉयर को जज ज़्यादा टाइम देगा, ज़्यादा अच्छी तरह सुनेगा, और कहीं ना कहीं वो उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे सकता है. तो सीनियर लॉयर्स जो होते हैं, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं. तो जो आपके नॉर्मल लॉयर्स होते हैं, वो भी बहुत बार क्लाइंट्स को कहेंगे, जी ये फलाना लॉयर 5 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, 3 लाख एक हेयरिंग का लेंगे, पर सीनियर लॉयर आपका काम हो जाएगा. मैं फिर आता हूं घूम फिर के, अगर आपका जुडिशियल सिस्टम सेम है, तो चाहे जूनियर लॉयर हो, चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, हाउ डज लॉयर मेक एनी डिफरेंस. अगर लॉयर इज मेकिंग अ डिफरेंस, दैट मीन्स हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. इसका मतलब है, एक लॉयर, एक सीनियर लॉयर केस में जो जिस दूसरी पार्टी का, ऑपोजिशन पार्टी का जिसको जो हक है, वो डिप्राइव भी कर सकता है, और डिप्राइव किसके थ्रू करता है, जजेस के थ्रू करता है. तो कहने का मतलब है कि जो लॉ हमारा जो जुडिशियल फॉर्म्स है, इसके अंदर ना कोई सीनियर लॉयर होना चाहिए, ना कोई जूनियर लॉयर होना चाहिए. दे शुड बी इक्वल, एंड अ जज हैज टू लिसन टू एवरी केस ऑन द मेरिट एंड नॉट हु इज प्रेजेंटिंग द केस. जो आज की डेट में ऐसा नहीं होता, आज की डेट में जज इन्फ्लुएंस हो जाता है कि प्रेजेंट कौन कर रहा है, या क्लाइंट इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हम फलाने लॉयर को लेके आए हैं तो वो प्रेजेंट कर रहा है, बट दिस इज नॉट डन. फिर आपका जस्टिस कहाँ गया. इसका मतलब है कि जस्टिस आपको लोगों की शक्ल पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं. तो ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये सीनियर जूनियर लॉयर और लॉयर्स को देख के जो इन्फ्लुएंस होना है, इस चीज़ के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं, इस चीज़ को हमें कंप्लीटली अबॉलिश करना चाहिए. इफ़ यू लाइक दिस टॉक, अगर आपको ये टॉक इन्फॉर्मेटिव लगी है, वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू आर यूट्यूब पेज डॉक्टर कपिल कक्कड़ इंडिया रिफॉर्म, प्लीज़ डू इट नाउ. थैंक यू सो मच.